गोरखपुर महोत्सव में चल रहे 7 दिवसीय शिल्प मेला का मंगलवार को समापन हुआ, जिसके संबंध में जीडीए वीसी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव में 11 जनवरी से 13 जनवरी तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया तथा उसके बाद 17 जनवरी तक लगने वाले शिल्प मेला का भी समापन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार का गोरखपुर महोत्सव सबसे बढ़िया हुआ है। उन्होंने सभी गोरखपुर वासियों को धन्यवाद व्यक्त किया कि सभी लोग पूरे परिवार के साथ महोत्सव में आकर अपना योगदान दिए। वहीं शिल्प मेला के दुकानदारों ने बताया कि इस मेले में ग्राहकों की स्थिति ठीक रही, बिक्री ठीक ठाक हुआ और कहा कि हमारे यहाँ सदरी, कोट, ब्लेजर, मफलर आदि लोगों की मांग रही। वहीं टेराकोटा के दुकानदार ने बताया कि हर साल की तरह इस बार की बिक्री भी अच्छी रही, अच्छा रिस्पांस मिला है। इन 7 दिनों में 60 से 70 हज़ार का सेल हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों की मांग गणेश जी, टेबल, कछुआ, ऊंट, हिरण, म्यूजिक मैन, गुल्लक, हाथी, घोड़ा रही। वही फर्नीचर व्यवसायी ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव के शिल्प मेला में इस बार 4th साल है, लेकिन हर साल की तुलना में इस बार ज़्यादा बिक्री हुई है और इस बार अच्छा रिस्पांस मिला है और उम्मीद करते हैं कि अगले वर्षों में भी ऐसे ही लगता रहे। उन्होंने कहा कि मेरे पास बेड, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल सभी तरह के आइटम मिलते हैं। इस मेले में तमाम तरह के कपड़े, फर्नीचर, पुस्तक, लेडीज आइटम लगे हुए हैं। 17 जनवरी तक लोग इसका लुत्फ उठा पाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुकानदार विजय गौतम, आफ्ताब, नितिन कुमार पाल, मोहम्मद गुफरान, सहायक आयुक्त तो उद्योग रवि कुमार शर्मा एवं जीडीए वीसी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा। चल फिर ये पीछे जाएगा और वो सब बना ऊपर का लग रहा है। जय गौतम परवलिया से तेरा कोटा बढ़िया रिस्पांस मिला है। इसके पहले से बढ़िया रिस्पांस मिला है, लगभग 70 हज़ार का सेल हो गया। किस तरह का आइटम रखे हुए थे? सभी आइटम है, गणेश जी थे, फाउंटेन था, टेबल था, गणेश जी थे, कछुआ था, बड़ा छोटा कछुआ,
ऊँट था, हिरण था, डायनासोर था, सभी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हमको। कुछ नया इस बार? नया में ये पानी वाला था बढ़िया, लोग मान ज़्यादा पानी वाला था। गणेश जी से छोटे छोटे गणेश जी थे वो ज़्यादा मांग किए थे, कछुआ कछुआ डिमांड था, हर आइटम का डिमांड था। बढ़िया मतलब रिस्पॉन्स मिला हमको। हर साल लगाते हैं कि नहीं? अभी तीसरा बार है यहाँ पर जी। हम लोग जैसे बाहर हर जगह जाते हैं, जैसे हैदराबाद हुआ, बंगलौर हुआ था, अभी गए थे हम यहाँ पर बरेली गए थे, हर प्रांत में जाते हैं। अच्छा मिलता है, बढ़िया है जी जी। विपिन कुमार पाल, कहाँ से है? हरिद्वार उत्तराखंड। किस का अपना ये सर? सदरी कोट ब्लेजर ये सब है। ये 7 दिनों में क्या रिस्पॉन्स रहा है? ठीक रहा सर, 80% ठीक रहा भाई। जी जी। 20% फेल है। कस्टमर आ रहे थे? कस्टमर आ रहे थे जी जी। क्या आपने आइटम रखा है? आइटम है सर सदरी है, ये खादी ग्राम उद्योग का है, हरिद्वार खादी ग्राम उद्योग। सदरी है, कोट है, ब्लेजर है, लोई है, मफलर है। तो खत्म हो रहा है? हाँ आज लास्ट है सर। आज जी जी। अभी कितने की बिक्री का है जी रेट सर? रेट तो सदरी एक पेस्टिंग वाली जो हमारी है वन साइड वाली 1575 है आफ्टर डिस्काउंट, और एक रिवर्सेबल है बोथ साइड ट्विड कपड़े में 875 रुपये। क्या सबसे ज़्यादा मांग है? सबसे ज़्यादा ब्लेजर और पेस्टिंग सदरी चली है, मफलर ज़्यादा चला है यहाँ पे, ठंडी काफ़ी थी ना, कोहरा था, तो इस वजह से जो है मफलर और ये लोई इस तरह की जो है ओढ़ने वाली शॉल वो काफ़ी चली वुलन की। मेरा आफ्ताब नाम है मेरा। कहाँ से आप? MP भोपाल से है, मध्य प्रदेश से। क्या 7 दिनों से आप प्रदर्शनी लगाए? क्या ठीक है प्रदर्शनी? बहुत बढ़िया चला, अच्छा चला, काम वाम सब अच्छा हुआ मेरा। कस्टमर सब आ रहे हैं, उनका आइटम है हमारे पास, सब कुरेसिया उनका, सब उनका आइटम बेचते हैं हम, सब कुरेसिया का आइटम है, चादर है, ये है, भालू है, सरक है, पोछू है, बहुत कुछ है हमारे पास। ज़्यादा से क्या मांगे थे? ये सब भालू वाले टॉप बहुत सारे बिक रहे हैं हमारे पूरे मेले में, एक ही हमारी दुकान है बस, मैं लगाए हूँ। रिस्पॉन्स सब अच्छा चला हमारा, बहुत बढ़िया चला। कितने साल से यहाँ रहे हैं? हम तो पहली बार आए हैं यहाँ पर, बुलाया गया हमको, भारत सरकार ने मुझे बुलाया है, बुलाया गया हमको, इसलिए हम अगली बार पहले से पहले आएंगे, 3-4 दुकानें लगाएंगे। खुश हो जाएंगे। अगली बार भी आएंगे जी। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है और हम प्रत्येक वर्ष सहारनपुर से आते हैं हस्तशिल्प प्रदर्शन के लिए, बुड़ा हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर लेकर। पिछले वर्षों में भी आए हैं और इस बार भी आए हैं, लगभग हमारा 4th साल है, और हर साल की तुलना में इस बार भी हमारा बहुत अच्छा काम हुआ है, अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला है हमें, और ये महोत्सव जैसे अभी लगा है, हम ये उम्मीद करते हैं अगले वर्षों में ऐसा ही लगता रहे। किस तरह का आइटम आपके पास? हमारे पास में टोटल वुडन हैंडीक्राफ्ट में आइटम आते हैं, जैसे फर्नीचर्स होते हैं, सोफे, बेड, डाइनिंग टेबल, सभी तरह की चीज़ें हमारे यहाँ लगभग बनती हैं। हम लोग पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पे आए थे और इसी के जरिए हम लोग अपना प्रदर्शन करते हैं शिल्प का। मैं रवि कुमार शर्मा, सहायक आयुक्त 2 गोरखपुर। देखिए गोरखपुर महोत्सव का समापन हो चुका है, गोरखपुर महोत्सव 11, 12, 13 को था, लेकिन जो साथ में शिल्प प्रदर्शनी है वो 11 से एक सप्ताह के लिए था, जिसका समापन आज है 17 तारीख को। जो हमारे यहाँ शिल्पी अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हैं, कुछ अलग प्रांतों से भी आए हैं, उनका अच्छा अनुभव रहा है, उनकी प्रदर्शनी भी हुई, साथ साथ उनकी बिक्री भी हुई है। सर कैसा रहा? रिस्पांस अच्छा रहा लोगों का, उनका कहना है कि अगले साल अगर महोत्सव होगा, उनको बताया जाएगा, तो वो फिर इस महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। नहीं बिल्कुल, हम लोगों ने गोरखपुर महोत्सव आज समापन है, 11 से 13 तक हमारे जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो एक महोत्सव था वो हमारा पूरा बहुत ही विधिवत तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उसका समापन किया गया, और उसके बाद में जो हमारा शिल्प मेला है उसको हमने कंटिन्यू रखा था, जो आज 17 तारीख को वो भी आज समाप्त हो रहा है, तो एक बहुत ही भव्य महोत्सव इस बार हुआ है। मैं सभी गोरखपुर वासियों को धन्यवाद भी देता हूँ कि वो उन्होंने बहुत ही बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में वो लोग आए और इस महोत्सव को और भी कामयाब करने में उन्होंने अपना योगदान दिया।